नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवीन दहिया में। आज MDU का B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर हुआ था, नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है B.Ed सेकेंड ईयर का जो MDU में हुए थे। आज मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो 80 मार्क्स के थे और टाइमिंग जो था वो 3 घंटे का था। ठीक है, कल KU का पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम का, उसके बाद CRSU के भी स्टार्ट होंगे कल CRSU का भी है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है B.Ed सेकेंड ईयर का। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन पेपर, आपने तैयारी कर ली होगी पेपर की, तो उसके लिए प्लीज़ ये पेपर ज़रूर देखिएगा कि आज किस तरह का पैटर्न आया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पेपर में जो लास्ट ईयर आए हुए थे, कौन सा क्वेश्चन नया आया है, तो सारा इस वीडियो में आज बताऊंगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस पेपर पता चल सके। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो नए अपडेट हैं, नई जो वीडियो हैं क्वेश्चन पेपर की, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पेपर आज का मिल सके। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस, तर्क एवं विश्लेषण में अंतर बताइए, 4 मार्क्स में था। उसके बाद स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, शिक्षक छात्र संबंध किस तरह के हैं वो आपको बताने थे, 4 मार्क्स में ये आया हुआ है। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की विशेषताएँ, की 4 मार्क्स में बताना था। उसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन सेंटर करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 16 मार्क्स में भी बनता है, 8 मार्क्स में भी बनता है और आपका 4 मार्क्स में भी बनता है। तो ये आए हुए हैं यूनिट वाइज 4 क्वेश्चन जो कंपल्सरी हैं आपके लिए करने हैं, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं फर्स्ट यूनिट पे। फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल द मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रमुख प्रकार की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित, एग्जांपल देके आपको नॉलेज के टाइप्स बताने हैं 16 मार्क्स में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एक साल आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 2006 में आया था ये क्वेश्चन, मे बी 17 में भी आया हो, लेकिन 17 में आया था ये क्वेश्चन, 16 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे सेकेंड ईयर के। सो 17 में आया हुआ ये क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है अब की बार 2019 में, तो 17 के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होने के चांसेस है 2018 के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद है यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 4th है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके 16 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में आपसे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो लास्ट में मैंने सिलेबस में भी बताया था, जब मैंने आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो लास्ट में जितने भी प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है और अस्तित्ववाद है, इनमें से आपको क्वेश्चन एक ज़रूर मिलेगा 16 मार्क्स में। अगर सेकंड यूनिट की आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो इनमें से चारों में से कर लीजिए, आइडलिज्म और नेचुरलिज्म, इन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा 16 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए, ये 16 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का। उसके बाद है यूनिट 3rd क्वेश्चन नंबर 6th, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ करिकुलम, ये भी 16 मार्क्स में आया हुआ है, पाठ्यचर्या के घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए, कॉम्पोनेंट्स बताने थे आपको करिकुलम के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7th, डिफाइन डिफरेंट अप्रोचेज टू करिकुलम थ्योरी, पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए, ये भी 16 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनको
अभी जो पेपर हुआ है हाल ही में आज का, उनके पास भी ये पेपर प्रोवाइड हो सके, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 8 यूनिट 4 का, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑप्शन में, आपको सिर्फ 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनालिसिस द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। विषय केंद्रित अभिकल्प और समस्या केंद्रित अभिकल्प का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। इसमें आपको डिफरेंट बताना था डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन में और प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन में, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फैक्टर्स इफेक्टिंग करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले घटकों की विवेचना कीजिए। देखिए जो यूनिट 4 था आपकी, इसमें 3 टॉपिक ही दिए हुए हैं आपको, तो फर्स्ट एंड लास्ट टॉपिक कर लेना, उसी में से आपको एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी तरह से तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखने होंगे, 2017 में जो हुए थे वो पेपर एक बार देख लेना, ये पेपर देख लेना, और 18 में जो पेपर हुए थे वो पेपर देख लेना, मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं चैनल पे, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था नॉलेज एंड करिकुलम का आज का पेपर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है। आपका नेक्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का, उसके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के इंग्लिश मीडियम में, लेकिन यूनिट 3 के मैंने ठाकुर पब्लिकेशन की बुक भी आपको प्रोवाइड कराई है पीडीएफ फाइल में, तो आप पीडीएफ फाइल में हिंदी मीडियम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बुक देख सकते हैं ठाकुर पब्लिकेशन की। उसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट बचती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आज एक यूनिट आज हो जाएगी, एक कल हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों यूनिट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। बचती है आपकी यूनिट 4th, यूनिट 4 के मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड कराए थे, तो उसके लिए जो हिंदी मीडियम वाले बचते हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है इस पेपर को, ठीक है, बाय बाय।